गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी मैथ्स की क्लास है और मैथ्स की क्लास में हम आज करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या दे रखा है? आफ्टर, बिटवीन, बिफोर। ये आप पहले भी बहुत मतलब पीछे भी प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, LKG UKG में कर चुके हो, तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है समझाने वाला और आई होप कि सभी बच्चों को आता होगा। फिर भी मैंने यह फिल कर रखा है। जैसे आफ्टर नंबर क्या होते हैं? आफ्टर नंबर होते हैं बाद में आने वाले नंबर। जैसे 16 लिखा है तो 16 के जस्ट बाद में जो नंबर आएगा उसका आफ्टर नंबर कहलाएगा। तो 16 के बाद क्या आएगा? 17, 25 के बाद 26, 39 के बाद क्या आएगा? 40 आएगा। ये इसके आफ्टर नंबर्स हैं। 48 के बाद 49 आएगा, 36 के बाद क्या आएगा? 37, और 47 के बाद क्या आएगा? 48। तो ये हमने क्या क्या किया है? आफ्टर नंबर्स। आफ्टर नंबर्स होते बाद में आने वाले नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारा बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स के बीच में एक नंबर मिसिंग होता है, उस नंबर वो मिसिंग नंबर्स क्या कहलाता है? हमारा बिटवीन नंबर्स कहलाएगा, इन दो नंबर्स के बीच में आने वाला नंबर। तो हम करने वाले जैसे 18 है और यहाँ 20 है, तो 18 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 19 आ रहा है, ये इसका बिटवीन नंबर है। और 39 और 41 के बीच में हमने जो नंबर लिया, 39 के बाद क्या आता है? 40 आ रहा है ना, 41 से पहले क्या आता है? 40 आता है। तो 40 क्या है? इसका बिटवीन नंबर है। और 45 और 47 के बीच में आने वाला नंबर क्या कहलाएगा? इसका बिटवीन नंबर कहलाएगा। जैसे कि इसको मैं बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 45 के बाद क्या आता है? 46, और 47 से पहले भी 46 आता है। तो 46 क्या कहलाया? इसका बिटवीन नंबर कहलाया। इसी तरीके से 27 और 29 के बीच में आने वाला नंबर जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? इसका बिटवीन नंबर कहलाएगा। जैसे 27 के बाद आता है 28, और 29 से पहले आता है 28, तो 28 क्या हुआ? इसका बिटवीन नंबर हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट है 31 और 33 के बीच में आने वाला नंबर क्या कहलाएगा? इसका बिटवीन नंबर है, जो कि है 32। और लास्ट वाला है 41 और 43 के बीच में आता है हमारा 42, जो कि इसका है बिटवीन नंबर। तो ये हमने क्या किया? बिटवीन नंबर यानी दो नंबर्स के बीच में आने वाला नंबर से हमारा बिटवीन नंबर है। यहाँ पर लास्ट है हमारा बिफोर नंबर। बिफोर नंबर क्या होता है? बिफोर नंबर होता है जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने में लिख के दिया हुआ है, इस नंबर से पहले आने वाला नंबर जो होता है हमारा बिफोर नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें 41 लिखा है, तो 41 से पहले हम क्या लिखते हैं? 41 से पहले हम जो नंबर आता है वो होता है 40, तो 40 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। इसी तरीके से 38 है, 38 से पहले हम क्या लिखते हैं? 37, तो 37 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। बिफोर नंबर जैसे कि मैं आपको बता चुकी, पहले आने वाले नंबर को हम बिफोर नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जो दे रखा है उससे पहले आने वाला नंबर जो भी हमने लिखा वो उसका बिफोर नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 45 है, तो 45 से पहले हम क्या लिखते हैं? 44 लिखते हैं ना, तो 44 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। और यहाँ देखिए 50 है, तो 50 से पहले हम लिखते हैं 49, तो 49 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। 36 से पहले हम क्या लिखेंगे? 35, तो 35 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। और 30 से पहले हम लोग लिखते हैं 29, तो 29 क्या है? इसका बिफोर नंबर है। तो ये आज हमने किया है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब नेक्स्ट हम करने वाले फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बीच में कुछ नंबर मिसिंग है, तो हमें उन्हें फिल करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए फिल कर चुकी हूँ। देखिए 31 के बाद क्या आ रहा है? 32, फिर 33, 34 इन्होंने लिखा हुआ, फिर क्या आएगा हमारा? 35, और लास्ट में 36। इसी तरीके से सेकंड रो में हमें दे रखा है, या 46 दे रखा है, तो 46 के पहले में ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो क्या आएगा अभी? 45, 46, 47, 48, 49, लास्ट में क्या है? 50। और ये लास्ट रो में हमें क्या दे रखा है? 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये क्या थे? हमारे मिसिंग नंबर्स थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स। अब हमें क्या करना है? नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में क्या करेंगे? हमें यहाँ पर नंबर्स दे रखे, उनके हमें स्पेलिंग लिखनी है। और ये हम लोगों ने किया, नंबर नेम्स हमने 100 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 1 से लेकर। तो आई होप कि सभी बच्चों को स्पेलिंग याद होंगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ए में दे रखा है 86। 86 की स्पेलिंग क्या होती है? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से रीड करके बता देती हूँ। EIGHTY ATSIX 86। और नंबर बी में है हमारा 39। 39 की स्पेलिंग THERTY NINE। तो ये क्या है? 39 की स्पेलिंग। और नेक्स्ट है हमारा सी में है 91। 91 की स्पेलिंग NINETY 90ONE 91।
और उसके बाद क्या हमारा 88, 88 की स्पेलिंग क्या है, EIGHTY 80, EIGHT 8, यहाँ पर हो गया 88। और इसके बाद हमारा ई में है 72, क्या दे रखा है 72, 72 की स्पेलिंग SEVENTY 70, TWO 2, तो ये 72 की स्पेलिंग होगी। लास्ट में हमारा दे रखा है 67, SIXTY 60, SEVEN 7, तो ये क्या हो गया हमारा 67। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है जो नंबर्स यहाँ पे दिए वही नंबर्स मैं एग्जाम में भी दूँ, मैं नंबर्स चेंज करके दूंगी। आपको क्या करना है, आपको 1 to 100 अच्छे से स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट द करेक्ट नंबर्स। अब यहाँ पे हमें एक ही नंबर की दो दो स्पेलिंग दी हुई है, उसमें से हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है और उसके बाद उस पर हमें क्या करना है, टिक का निशान लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट से हम लोग करते हैं ए से। यहाँ पे हमें नंबर क्या दे रखा है, 59। अब 59 की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, FIFTY 50, NINE 9, तो 59 पे हम लोग टिक करेंगे। और ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको नंबर नेम्स अच्छे से याद होंगे। बी क्या है, 43, 43 की करेक्ट स्पेलिंग है FORTY 40, THREE 3, तो 43 पर हम लोग, ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, इस पे हम लोग टिक कर देंगे। और नंबर सी में है 76, 76 की स्पेलिंग क्या है, SEVENTY 70, SIX 6, तो ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, इसको हम लोग टिक कर रहे हैं क्योंकि वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। उसके बाद है 88, 88 की स्पेलिंग करेक्ट क्या थी, EIGHTY 80, EIGHT 8, 88, तो हमारी ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। और इसके बाद है 90, 90 पे कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, यहाँ देखिए NINETY 90, ये वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। आगे है 22, स्पेलिंग देखिए TWENTY 20, TWO 2, 22 में ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ये टिक द करेक्ट स्पेलिंग था, और स्पेलिंग वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे को पूरा नंबर नेम 1 to 100 याद होगा। तो क्लास फर्स्ट ये आपके लिए एक तरीके से रिवीजन वीडियो भी हो सकती है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी हम कर चुके हैं जिसमें आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, मिसिंग नंबर्स, नंबर नेम्स, ये सारा आपके एग्जाम में आएगा। तो बाय, क्लास फर्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाली हूँ, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमें क्या नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर नेम्स दे रखे हैं, इनको हमें मैच करना है करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो सबसे पहले देखिए 24, यहाँ पे 24 है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग पढ़ेंगे हम TWENTY 20, EIGHT 8 नहीं है ये, है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 की स्पेलिंग देखेंगे। अब 24 की स्पेलिंग, यहाँ को आपको सॉल्व करने का सही तरीका ये, आप यहाँ से स्पेलिंग, ये नंबर नेम्स पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ेंगे TWENTY 20, EIGHT 8, यानी 28। अब नंबर्स में से ढूंढेंगे हमारा 28 कहाँ है, 28 हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट वाला देखिए FORTY 40, NINE 9, 49। अब 49 हमारा कहाँ पर है, सबसे नीचे, यहाँ मैच कर देंगे। अगला देखिए THIRTY 30, FIVE 5, 35। अब 35 हम लोग नंबर्स में यहाँ से देखेंगे कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर मैचिंग हो गया। TWENTY 20, FOUR 4, 24 ढूंढेंगे हमारा कहाँ पर है, 24 हमारा सबसे ऊपर है, टॉप में, यहाँ से मैच कर देंगे। अब देखिए अगला देखिए THIRTY 30, TWO 2, 32, 32 देखेंगे हम लोग, 32 हमारे ये रहे, यहाँ मैच कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा FORTY 40, SEVEN 7, 47 देखेंगे हम लोग, ये हमारा यहाँ पर है। अब अगला अगली स्पेलिंग हम लोग देखेंगे FIFTY 50, 50 कहाँ पर है, यहाँ पर है सामने। अब देखेंगे THIRTY 30, NINE 9, 39 हमारा कहाँ है, यहाँ, ये मैच हो गया। ये थी हमारी मैचिंग, क्या थी, मैचिंग थी। अब ये वाला आप खुद से सॉल्व करेंगी, ये आपका काम होगा, नीट एंड क्लीन मैथ्स की कॉपी में करेंगी, PDF बना के हमें सेंड करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगेगी। बाय बेटा, हैव फन।